महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो गया। अब इस बिल को लेकर केजरीवाल कह रहे हैं ये महिलाओं के साथ धोखा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कब लागू होगा, तो कोई इसे 2024 से ही लागू करने की बात कह रहा है। अब सवाल यह है कि अगर महिला आरक्षण बिल विपक्ष को पसंद ही नहीं था, तो फिर संसद में इसके पक्ष में मतदान क्यों किया? लोकसभा में सिर्फ ओवैसी की पार्टी ने बिल के खिलाफ वोट डाला, लेकिन राज्यसभा में सारे के सारे वोट बिल के पक्ष में पड़े। और फिर उसके बाद विपक्ष का ये रोना गाना, मतलब साफ है कि इस बिल का चुनावी मैदान में विरोध कर विपक्ष अपनी ही फजीहत कर रहा है। असल में महिला आरक्षण बिल कांग्रेस संसद में लेकर आई थी, लेकिन उसे पारित नहीं करा सकी। अब जब बीजेपी ने ये काम कर दिया तो उसे दिक्कत होने लगी, कहीं इसका श्रेय बीजेपी को न मिल जाए। हकीकत तो ये है कि ये काम बीजेपी ने किया तो श्रेय भी उसी को ही मिलेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कई ऐसे काम अपने कार्यकाल में किए हैं जिसकी परिकल्पना कांग्रेस राज में हुई थी। नए संसद भवन की बात हो या महिला आरक्षण बिल पास करने की, परिकल्पना किसी और की थी और मूर्त रूप दिया बीजेपी ने। 2010 में ही सरकार ने नए संसद भवन की जरूरत महसूस की थी। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई थी, लेकिन मामला लटका रहा और मोदी ने इसे साकार कर दिया तो कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसके खिलाफ हो गए। कोई इसे मोदी मॉल कहने लगा तो कोई होटल। महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कवायद 1996 में शुरू हुई, लेकिन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ये पास हो सका। बीजेपी ने रणनीतिक ढंग से ऐसे मौके पर बिल को पास कराया, वह भी सर्वसम्मति से। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पास कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे बीजेपी को विपक्ष का साथ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कब लागू होगा, किसे कितना आरक्षण चाहिए या मिलेगा जैसे सवाल उठाकर विपक्ष अपनी ही किरकिरी करा रहा है। नया संसद भवन भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी ने इस पर काम शुरू कराया और रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया। ये सब तब हो रहा था जब अरविंद केजरीवाल चुपके चुपके अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे, लेकिन आज विपक्षी दल शीश महल पर बात नहीं करता और न ही दिल्ली शराब घोटाला पर। नया भवन बनने से लेकर इसके उद्घाटन तक कम विवाद नहीं हुआ। विपक्ष इस निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। जब इसके उद्घाटन की तारीख घोषित की गई तो विपक्ष ने विरोध स्वरूप उद्घाटन समारोह से अलग रहने का फैसला किया। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बायकॉट कर अपनी किरकिरी करा ली। हालांकि बाद में इन्हीं विपक्षी दलों के सांसदों को नए भवन में बैठकर महिला आरक्षण बिल पास करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन को खत्म करने का संकल्प बार बार दोहराते हैं। बीजेपी ने अब इसे बड़ा हथियार बना लिया। बीजेपी इसके सहारे हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करेगी। बिहार में बड़ी पार्टी आरजेडी के चंद्रशेखर ने तो हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ अभियान ही छेड़ दिया। संभव है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि चुनावी मौसम में बीजेपी इसे भुनाने में तनिक भी देर नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।